राज्य मंत्री असीम गोयल ने मंच से अंबाला के सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया को याद करते हुए कहा कि वे बहुत ही कमाल की शख्सियत थे। जब हरियाणा में भाजपा के नाम मात्र कार्यकर्ता और नेता होते थे, उन दिनों में रतनलाल कटारिया ने पार्टी को अपनी जी तोड़ मेहनत से सिंचाई कर राज्य मंत्री बने। असीम गोयल ने कहा कि मुझे मेरे गाँव ननयौला ने इतना प्यार और मान सम्मान दिया है जिसका मैं कभी कर्ज नहीं उतार सकता। इसके साथ ही उन्होंने कल अंबाला में होने जा रही नरेंद्र मोदी की रैली में आने का सबसे अपील की। आज कोई भाषण की बात नहीं, मैं तो अपने मन की बात करने के लिए खड़ा हूं। कटारिया भी आज स्वर्ग में, लेकिन मेरे को यहां तक खड़ा करने में, मेरे को यहां तक लाने में अगर मैं आज खड़ा हूं, अगर सबसे बड़ा कोई मजबूत सहारा था तो रतनलाल कटारिया ही है। पार्टी ने मेरे को आदेश दिया, पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, वो बात अलग है, लेकिन कटारिया जी मेरे बड़े थे, मेरे बुजुर्ग थे और भाभी है हमारी बिल्कुल और माँ जैसे। इन्होंने भी मुझे कभी माँ से कम प्यार नहीं करा, कभी भी। यही के अंदर मेरे को कोई कह रहा था जी कहीं ननयौले में आपको घेरने की रणनीति बनाई जा रही, रात मुझे किसी ने कहा जी ननयौला ध्यान दे लो। मां मैंने ननयौला आज तक ध्यान नहीं दिया, मेरा अपने परिवार में भी अगर मैं मजबूत नहीं मनू, अपने परिवार में ध्यान देना पड़ गया तो मैं बाहर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैं तो अपने ही परिवार वालों के आगे आज ये सौंप के जा रहा हूँ, ये चुनाव आपका है, लेकिन मेरा तो निवेदन है इन लोगों की बात को समझना। आपसे हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं, इन लोगों को तकलीफ मेरे से है तो गांव की तरक्की से भी तकलीफ। आपने देखना आज अगर आपका छठे मंजिल के ऊपर सचिवालय में दफ्तर है, जाके देखना उसके पीछे भी ननयौला लिखा हुआ। सेक्टर 7 में 82 नंबर कोठी मिली है, उसकी नेम प्लेट के ऊपर भी पीछे ननयौला लिखा हुआ। मेरी पहचान है ननयौला, अपनी पहचान मैं कैसे न कर सकता हूं। और आज हमने सारे प्रोग्राम कैंसिल करे, क्यों? कल प्रधानमंत्री जी आ गए, भाभी जी को मैंने कहा मैं भाभी जी कोई ना ननयौला तो मैं जाऊंगा, करी ना ननयौला कटारिया जी का दूसरा घर था, कटारिया जी को बहुत प्यार था ननयौला से। मैं सारे प्रोग्राम चाहे कैंसिल कर दे, मैंने ननयौला जन्म लिया। बाकी आप देखना सारे प्रोग्राम, क्योंकि कल मोदी जी का इतना बड़ा प्रोग्राम है, कल के लिए एक एक मिनट कीमती है, लेकिन ननयौले के लिए भाभी जी ने कहा आना। मैं खुद अपने घर में अपील करती हूँ, मैं कोई आज भाषण के लिए नहीं करा। और मोदी जी भी ना, ये नहीं है कि मोदी जी को इसलिए लाया जा रहा है यहाँ सीट के ऊपर, कोई दिक्कत है मोदी जी को वहां ले जाते हैं मैक्सिमम, जहां लगता है कि सीट थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई। अंबाला का तो नाम ही नहीं था, मोदी जी ने सामने से कहा मैंने कटारिया जी वाली सीट पे जाना है, कटारिया जी वाली सीट पे। मोदी जी किसी मारी सिफारिश में नहीं आ रहे, मोदी जी कटारिया जी को श्रद्धांजलि देने आ रही। और संयोग देखो, भगवान जब दिल से दिल की बात कराता है, कल कटारिया जी की पहली बरसी है और कल ही मोदी जी आ रहे हैं। देखो कितना बड़ा दिल का संयोग है, कितने मन से मोदी जी ने चाहा होगा तो मैं कटारिया जी को श्रद्धांजलि। अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों में देश की दशा और दिशा बदल डाली। कोविड में देश को बुरी स्थिति से लड़कर बाहर निकाला, महिलाओं के लिए रिकॉर्ड तोड़ शौचालय बनवाए और उन्हें मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे और सिलेंडर मुहैया करवाए। देश के विकास को तेज गति देने के लिए तीसरी बार फिर आपको मोदी सरकार बनानी होगी। 2014 में और 2019 में, 2014 से 10 साल की बात करूंगी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही लाल किले पे खड़े होकर एक बात कही कि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे काम करूंगा। तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया और 11 करोड़ शौचालय बनाकर बहनों को इज्जत घर देने का काम किया। फिर गांव में जो महिलाएं चूल्हे पर रोटी पकाती थी, धुएं से ग्रस्त हो जाती थी, 12 करोड़ बहनों को बीपीएल परिवार को फ्री में गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। और जब देश के प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवा रहे थे तो कांग्रेस वाले लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे
कि इसमें पैसे कहां से आएंगे। आज 3000 पेंशन उनके खाते में आती है। आज कोविड जैसी बीमारी जब पूरे विश्व में हुई, हमारे देश में भी हुई, तब भी कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि बहुत सारे लोग यहाँ बचेंगे नहीं क्योंकि भारत की आबादी इतनी है। तब देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं दो दो वैक्सीन बनाने का काम किया और फ्री देने का काम किया भारत में भी और विदेश में भी। फिर आपने 19 में यहाँ से सांसद रतनलाल कटारिया जी को बनाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही धारा 370 और 35 खत्म करने का काम किया, उसमें आप सबका भी सहयोग रहा।